हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीके की शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम हिस्ट्री से ही स्टार्ट करते हैं। तो हमारी सबसे पहली शॉर्ट ट्रिक है मोहनजोदड़ो के लिए। तो इसका कीवर्ड है मोहनदास करमचंद गांधी हिंदू थे। तो मोहनदास नाम था महात्मा गांधी का, और ये हमारा कीवर्ड है मोहनदास करमचंद गांधी हिंदू थे। तो मोहन से हमारा बनेगा कि ये शॉर्ट ट्रिक है मोहनजोदड़ो के लिए, और दास से कि मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1921 में की, और हिंदू से यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो इस कीवर्ड से हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1921 में की, और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो हम ये कीवर्ड आसानी से याद कर सकते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी हिंदू थे। और इस ट्रिक से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, हिंदू यानी सिंधु, और दास यानी राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की। तो हमारा सेकंड कीवर्ड है हड़प्पा संस्कृति के लिए। हड़प्पा में जो हमारा कीवर्ड है अप्पा यानी फादर सब पर दया करते हैं, और सब पर हावी यानी सब पर हावी भी होते हैं। तो हड़प्पा अप्पा सब पर दयालु है, सब पर हावी। तो दया से क्या होगा कि इसकी खोज दयाराम साहनी ने की, यह रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा संस्कृति की खोज दयाराम साहनी ने की, यह रावी नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और दी नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक है, उसका कीवर्ड है, ये चीनी यात्रियों के लिए है। तो चीनी यात्री हवेनसांग के लिए हमारी शॉर्ट ट्रिक है कि है, इसका जो फर्स्ट वर्ड है हवेनसांग में है, तो हम इसका है को हैसे मिलाएंगे, यानी हैसे हर्षवर्धन। तो चीन यात्री हवेनसांग जो हर्षवर्धन के राज्यकाल में भारत आया। और जो हमारा सेकंड चीन यात्री एग्जाम्स में पूछा जाता है वो है फाइयान, तो ये आया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। तो ये हमारा कीवर्ड हैसे हम है को मिलाएंगे, यानी हवेनसांग आया हर्षवर्धन के राज्यकाल में, और जो फाइयान आया वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कई बार एग्जाम्स में चंद्रगुप्त द्वितीय भी लिख दिया जाता है। तो हमारी जो सेकंड शॉर्ट ट्रिक है वो है वेदों के लिए। तो कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे आधुनिक वेद कौन सा है। तो हमारी शॉर्ट ट्रिक है इसके लिए रायसा, RYSA। तो हमारा ये है, पहले सबसे पुराना है, फिर उससे पुराना, फिर उससे नया, फिर उससे नया, फिर सबसे नया। तो रायसा आर स्टैंड्स फॉर ऋग्वेद, वाई स्टैंड्स फॉर यजुर्वेद, एस स्टैंड्स फॉर सामवेद, ए स्टैंड्स फॉर अर्थवेद। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, और जो अर्थवेद है वो सबसे आधुनिक यानी सबसे नवीनतम वेद है। और जो हमारी नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक है वो है कर्क रेखा यानी कैंसर लाइन के लिए। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, कई बार एग्जाम्स में तीन चार ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि कौन कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से नहीं गुजरती। तो तीन राज्य ऐसे दे दिए जाते हैं जिनमें से गुजरती है, और चौथा राज्य ऐसा होता है जिसमें से नहीं गुजरती। तो हम इस ट्रिक्स की हेल्प से आसानी से उन राज्यों का पता लगा सकते हैं जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है। तो हमारी शॉर्ट ट्रिक है ग्राम वाले सींचते हैं PMT वाले को, यानी जो PMT का टेस्ट क्लियर करता है उसको सबसे ऊपर समझा जाता है, गांव वाले उसको सबसे ऊपर समझते हैं, यानी GRM CJ PMT, ग्राम सींचते हैं PMT वाले को, GRM CJ PMT। तो जी स्टैंड्स फॉर गुजरात, आर स्टैंड्स फॉर राजस्थान, एम स्टैंड्स फॉर मध्य प्रदेश, और सी स्टैंड्स फॉर छत्तीसगढ़, जे स्टैंड्स फॉर झारखंड। और ये कर्क रेखा है जो झारखंड की राजधानी रांची से गुजरती है। पी स्टैंड्स फॉर पश्चिमी बंगाल, एम स्टैंड्स फॉर मिजोरम, टी स्टैंड्स फॉर त्रिपुरा। तो कई बार एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा कौन सी राजधानी से, किस राज्य की राजधानी से गुजरती है। तो ये झारखंड की राजधानी रांची से गुजरती है। और जो हमारा जो हमारा कीवर्ड है कर्क रेखा के लिए GRM CJ PMT, यानी ग्राम वाले सींचते हैं PMT वाले को, ये 8 राज्यों से गुजरती है, और ये झारखंड की राजधानी रांची से गुजरती है। तो हमारे नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक है वो कुंभ के मेले के लिए है। कुंभ के मेले की खबर फ़ोन पर मिली,
तो हमारा कुंभ के मेले की शॉर्ट ट्रिक के लिए कीवर्ड है कुंभ के मेले की खबर फोन पर मिली। पी स्टैंड्स फॉर प्रयाग, एच स्टैंड्स फॉर हरिद्वार, ओ स्टैंड्स फॉर उज्जैन, एन स्टैंड्स फॉर नासिक, यानी प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, इन इन में कुंभ का मेला लगता है। और जो हमारी नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक है वो है भारत में बोले जाने के आधार पर भाषाओं का क्रम, यानी जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो है हिंदी। यानी इसके लिए कीवर्ड है हाय बाटा। बाटा यानी जो चप्पल हम बाटा की पहनते हैं, हाय बाटा, हाय से हिंदी, बी ए से बांग्ला, टी ए से तमिल। तो जो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो है हिंदी, सेकंड है बांग्ला और थर्ड है तमिल। और संसार में जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है वो है मंडारिन भाषा, यानी चीन की भाषा है। तो हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि संसार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश की है, चीन की। तो वहीं की भाषा है एक मंडारिन, जो चीनी भाषा है, तो वहीं संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। और हमारा जो नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक है वो है प्राचीन भारत पर कितने राजवंशों ने आक्रमण किया, यानी इसके लिए हमारा जो कीवर्ड है हिंदुस्तान के शक्तिशाली पहलवान बाण रखते थे। हिंदुस्तान के शक्तिशाली पहलवान बाण रखते थे। हिंदुस्तान में है हिंद यूनानी, हिंदुस्तान हिंद आया हुआ है तो हिंदुस्तान में हिंद यूनानी, शक्तिशाली शक सेकंड पे है शक, पहलवान थर्ड है पहलव, फिर है बाण यानी कुषाण। तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था हिंद यूनानियों ने, तो सेकंड पे शक, थर्ड पे पहलव और फोर्थ पे कुषाण। तो इसके लिए हमारा कीवर्ड है हिंदुस्तान के शक्तिशाली पहलवान बाण रखते थे। हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान से हिंदी नानी, शक्तिशाली में शक, पहलव में पहलवान में पहलव, बाण में कुषाण। और जो हमारा नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक है वो है बौद्ध महासंगीतियों के लिए, कि पहली बौद्ध महासंगीति कहाँ हुई, सेकंड कहाँ हुई, थर्ड कहाँ हुई, फोर्थ कहाँ हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो इस शॉर्ट ट्रिक के लिए हमारा कीवर्ड है रावण का जन्म पाकिस्तान में हुआ। रावण का जन्म पाकिस्तान में हुआ, यानी रावण बुरा था और सबसे बुरी कंट्री कौन सी है, पाकिस्तान। रावण का जन्म पाकिस्तान में हुआ। रा से राजगृह, यानी पहली बौद्ध महासंगीति हुई राजगृह में, रावण में रा आया हुआ है तो पहली बौद्ध महासंगीति हुई राजगृह में। और वह यानी सेकंड हुई वैशाली में, और पा पा तो थर्ड हुई बौद्ध महासंगीति वो हुई पाटलिपुत्र में, और पाकिस्तान में ही क्या आया हुआ है, तो जो फोर्थ और जो लास्ट बौद्ध महासंगीति वो ही कुंडलवन में। तो बौद्ध महासंगीतियों के लिए हमारा कीवर्ड है रावण का जन्म पाकिस्तान में हुआ। रा से राजगृह, पहली बौद्ध महासंगीति हुई राजगृह में, वह से वैशाली, सेकंड हुई वैशाली में, पा से पाटलिपुत्र यानी थर्ड हुई पाटलिपुत्र में, कैसे कुंडलवन, फोर्थ हुई कुंडलवन में, यानी लास्ट बौद्ध महासंगीति थी। और इस अंतिम बौद्ध महासंगीति यानी कुंडलवन में जो बौद्ध महासंगीति हुई, इसमें बौद्ध धर्म हीनयान व महायान दो भागों में विभक्त हो गया, यानी ये टूट गया, बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। तो कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि कौन सी महासंगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, तो ये थी लास्ट वाली कुंडलवन, इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में यानी हीनयान व महायान दो भागों में बट गया। और नेक्स्ट हमारी ट्रिक है वीटो पावर वाले देशों के लिए। इसमें कई बार हम मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमारी, और हम जो गलत ऑप्शन है उस पर टिक करके आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है वीटो पावर वाले देश। इसके लिए हमारा कीवर्ड है ए बी सी ने FIR दर्ज की। ए से अमेरिका, यानी अमेरिका के पास वीटो पावर है ये तो हम सबको पता है। बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आई से इंडिया यानी इंडिया के पास अभी नहीं है तो इंडिया को हम काट देंगे, आर से रूस यानी रसिया। तो वीटो पावर वाले देश के लिए हमारे कीवर्ड है ए बी सी ने FIR दर्ज की। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आई से इंडिया, इंडिया के पास नहीं है, आर से रसिया। और जो हमारी नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक है वो है जिनेवा में किन का मुख्यालय है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि
जिनेवा में किन का मुख्यालय नहीं है? ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और एक ऑप्शन ऐसा होता है कि जिसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं होता, और कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि किसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो इसके लिए हमारी शॉर्ट ट्रिक है, मिस्टर जिनेवा में HMT की घड़ी पहनकर गए, यानी जिनेवा में मीटिंग थी उनकी मिस्टर की, तो वो HMT की घड़ी पहनकर गए। हमारा कीवर्ड है जिनेवा में, जिनका मुख्यालय, उसके लिए मिस्टर जिनेवा में HMT की घड़ी पहनकर गए। एम स्टैंड्स फॉर, यानी एम से मौसम विभाग, मौसम विभाग का मुख्यालय है जिनेवा में। आर से रेड क्रॉस, रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में। एच से WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो इसका मुख्यालय है वो भी है जिनेवा में। टी से WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जो इसका मुख्यालय है वो भी है जिनेवा में। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुआ है कि जिनेवा में किन का मुख्यालय है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसका कीवर्ड, मिस्टर जिनेवा में HMT की घड़ी पहनकर गए। एम से मौसम विभाग, आर से रेड क्रॉस, एच से WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये मैंने यहाँ पर जो HMM दोबारा से रिपीट हुआ है, यानी फिर से मौसम आया है, तो इसलिए मैंने एम यहाँ नहीं लिखा। एच से WHO विश्व व्यापार संगठन, टी से WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, और मैं